हेलो स्टूडेंट्स, आज डिस्कस करेंगे एरोमेटिक अमीन्स एंड डाइजोनियम सॉल्ट। एरोमेटिक अमीन्स क्या होती हैं? अगर अमोनिया में से हाइड्रोजन को रिप्लेस करके एरोमेटिक सब्स्टिट्यूट, मतलब ऐसा कोई जैसे बेंजीन लगा दिया हमने या फेनिल लगा दिया, ठीक है, या एरिल ग्रुप लगा दिया, एरिल ग्रुप को ही फेनिल या बेंजीन कहते हैं, ठीक है। तो अगर हाइड्रोजन को रिप्लेस करके वो लगा दिया तो उसको हम लोग एरोमेटिक अमीन्स कहते हैं, ठीक है। तो ये दो टाइप के होते हैं, एक न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड और दूसरा होता है साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड। न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड को हिंदी में कहते हैं नाभिकीय प्रतिस्थापित यौगिक। मतलब इसमें क्या होता है, जो अमीनो ग्रुप होगा वो डायरेक्टली बेंजीन रिंग से जुड़ा होगा, डायरेक्टली कनेक्टेड टू बेंजीन रिंग, जैसे C6H5 NH2, या C6H5 की जगह बेंजीन बना सकते हैं, उसके ऊपर NH2 ग्रुप जोड़ सकते हैं, या C6H5NH4R की जगह कोई भी एल्किल ग्रुप जुड़ा हो सकता है, ठीक है, या दोनों तरफ फेनिल ग्रुप जुड़े हो सकते हैं। तो इस प्रकार से तो इसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड्स। अब बात करेंगे साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड की। इसमें क्या होता है, डायरेक्टली बेंजीन रिंग से नहीं जुड़ा होता, किसी बेंजीन रिंग से अटैच कार्बन के साथ NH2 ग्रुप जुड़ा होगा, एमीन ग्रुप जुड़ा होगा। व्हेन एमिनो ग्रुप अटैच टू द साइड चेन ऑफ बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग के जो साइड चेन होती है उससे जुड़ा होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं सब्स्टिट्यूटेड, साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड्स। एग्जाम्पल जैसे बेंजील एमीन, बेंजील अमीन के ऊपर, बेंजीन के ऊपर CH2NH2 जुड़ा होगा, मतलब ये सीधे बेंजीन से नहीं जुड़ा, CH2 से जुड़ा है, ठीक है। तो ये एग्जांपल। अब बात करते हैं सबसे जो कोर्स में हम लोग के एनिलीन की, एनिलीन का फॉर्मूला होता है C6H5NH2 या बेंजीन के ऊपर NH2 की बात है। तो सबसे पहले इसके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की बात करेंगे। सबसे पहला रिडक्शन ऑफ नाइट्रोसो बेंजीन, नाइट्रोसो बेंजीन होता है C6H5NO, ये होता है नाइट्रोसो बेंजीन। जब इसका 4H लेकर रिडक्शन कराते हैं SN एंड SCl की प्रेजेंस में, ठीक है, तो इसमें से 2H2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन H2O निकल जाएगा और दो हाइड्रोजन जाके NH2 के साथ जुड़ जाएंगे, तो NH2 हो जाएगा, तो एनिलीन बन जाएगा, नाइट्रोसो बेंजीन। फिनॉल से क्या होता है, अमोनिया की रिएक्शन फिनॉल से करा देंगे तो बेंजीन बन जाएगा, अमोनिया HOH वाटर निकल जाएगा, NH2 ग्रुप जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार से ये एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में होती है, ठीक है। अब बात करेंगे बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड का फॉर्मूला होता है C6H5SO3H होता है, C6H5SO3H, तो इसको हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया C6H5SO2OH में, ठीक है, इसके NaOH के साथ रिएक्शन करा दी हमने, तो C6H5SO2ONA ये बन गया। अब इसके NaNH2 के साथ रिएक्शन करा दी तो Na2SO3 निकल जाएगा आपका, हमारा बच्चे का NaNH2 होता है सोडामाइड, तो उसकी रिएक्शन हमने करा दी तो C6H5NH2 ये बचेगा हमारे पास। अब बात करेंगे हॉफमैन ब्रोमोवाइट रिएक्शन की। हॉफमैन ब्रोमोवाइट रिएक्शन क्या होती है, ये पहले भी बता चुके हैं कि एमाइड ग्रुप कन्वर्ट हो जाता है एमीन में, ब्रोमीन और KOH के साथ रिएक्शन कराने से एमाइड कन्वर्ट हो जाता है ब्रोमीन में। तो इसके लिए हम लेंगे बेंजामाइड C6H5CONH2Br2+4 KOH के साथ रिएक्शन करा देंगे, CONH2 ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा NH2 में, तो C6H5NH2 2KBr K2CO3 और 2H2O, ओके। स्मिथ रिएक्शन के लिए भी हम लोग बेंजोइक एसिड लेंगे, C6H5COH N3H हाइड्रोजोइक एसिड, तो इसको ये भी रिएक्शन पहले बता चुके हैं, N2CO2 निकल जाएगा, NH2 जाके जुड़ जाएगा, तो C6H5NH2। अब बात करेंगे रिडक्शन ऑफ नाइट्रोसो बेंजीन की, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो बेंजीन की। तो नाइट्रो बेंजीन होता है C6H5NO2, 6H लेकर रिडक्शन करा देते हैं SN और HCl के प्रेजेंस में, तो इसमें 2H2O निकलेंगे इस बार, 2H जाके इसमें जुड़ जाएंगे, तो NH2। इस यही रिएक्शन लैब मेथड ऑफ एनिलीन होती है, एनिलीन की लैब मेथड भी यही रिएक्शन है, ओके। क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन अमोनिया और क्यूप्रस क्लोराइड के साथ कराएंगे, तो ये बन जाएगा आपका क्यूप्रस क्लोराइड
सॉरी क्यूपरस ऑक्साइड के साथ कराएंगे तो क्यूपरस ऑक्साइड बदल जाएगा क्यूपरिक क्लोराइड में और एनिलीन बन जाएगी। ओके, अब बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? प्योर एनिलीन होगी, कलरलेस इसको, और इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 183 डिग्री सेल्सियस। और इसको जब एक्सपोज करते हैं एयर में, हवा में इसको एक्सपोज किया जाता है तो उसका रेड ब्राउन कलर आ जाता है, ऑक्सीडाइज होकर रेड ब्राउन कलर आ जाता है। अब बात करेंगे डाई एजोटाइजेशन की, डाई एजोटीकरण। डाई एजोटीकरण क्या होता है? जब एनिलीन की रिएक्शन नाइट्रस एसिड के साथ होती है, नाइट्रस एसिड क्या होता है, जब क्या करते हैं हम लोग, एनिलीन को हम लोग सोडियम नाइट्राइड और HCl के साथ जीरो से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच गर्म करते हैं तो NH2 ग्रुप कन्वर्ट हो जाता है N2Cl में, मतलब एमीन ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा डाइजोनियम क्लोराइड में, एमीन कन्वर्ट हो जाएगा डाइजोनियम क्लोराइड में, ठीक है। तो इसी को हम लोग रिएक्शन को बोलते हैं डाई एजोटाइजेशन, डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। ओके, यही रिएक्शन होती है डाइजोटाइजेशन। व्हेन एनिलीन रिएक्ट्स विद नाइट्रस एसिड NH2 ग्रुप रिप्लेस्ड बाय N2Cl ग्रुप एंड अ सॉलिड अनस्टेबल डाई एजो कंपाउंड इज फाउंड, द रिएक्शन इज नेम्ड एज डाई एजोटाइजेशन। एनिलीन रिएक्ट्स विद HNO2 एट 0 डिग्री सेल्सियस टू फॉर्म बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन जाएगी, ठीक है। अब अगला देखते हैं इसकी रिएक्शन। एनिलीन ले ली हमने, NaNO2 HCl के साथ इसको गर्म कर दिया, पहले NaNO2 HCl आपस में रिएक्शन करके HNO2 का करते हैं, उसके बाद HNO2 NH2 ग्रुप के साथ रिएक्शन करके N2Cl बदल जाता है, ठीक है। तो ये रिएक्शन होती है। कपलिंग रिएक्शन देख लेते हैं। कपलिंग रिएक्शन क्या होती है? जब एनिलीन की रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन दो प्रकार की होती है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ या तो फिनॉल की रिएक्शन कराओ या एनिलीन की रिएक्शन कराओ, तो पैरा एजो बेंजीन बनती है, समझ गए। तो एनिलीन अंडरगोस कपलिंग विद बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड एंड 30-35 डिग्री सेल्सियस एंड ऑरेंज कलर डाई, मतलब एक ऑरेंज कलर की डाई बनती है। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ हमने C6H5NH2 की रिएक्शन करा दी, C6H5N डबल बॉन्ड एंड NHC6H5 बन जाएगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं कपलिंग रिएक्शन, ठीक है। पैरा अमीनो एजो बेंजीन बनती है। उपयोग क्या होते हैं, यूजेस क्या होते हैं इन रबर डाई एक्सेट्रा इंडस्ट्री में, इन प्रिपरेशन ऑफ वेरियस मेडिसिन में, बहुत सारी मेडिसिन इससे बना सकते हैं, या रबर इंडस्ट्री में होती है, डाई आई बनाने में इसका यूज़ होता है, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर जो है, तो अब ये आपका चैप्टर फिनिश हो गया, ठीक है। अब अगले वीडियो में बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर की। थैंक यू।